सातवां शक्तिपीठ देश के 51 शक्तिपीठों से एक है अंबा जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा था। माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर अंबा माता का प्राचीन शक्तिपीठ है। यह मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसमें भवानी की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित है। उसे इस ढंग से सजाया जाता है कि देखने वाले को उसमें माँ का विग्रह नजर आता है। खास बात यह है कि यह श्री यंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता है और न ही इसका फोटो लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर ही की जाती है। माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के प्रति माँ के भक्तों में अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि यह माता सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1975 में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। सफेद संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसका शिखर 103 फुट ऊंचा है और इस पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक एक पहाड़ भी है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसी पत्थर पर यहां मां के पदचिन्ह एवं रथ चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में जरूर जाते हैं। इस साल हर साल भद्रपति पूर्णिमा पर यहां मेले जैसा उत्सव होता है। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। अंबाजी मंदिर से जुड़ी एक बात प्रचलित है। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट अबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अंबा की पूजा करने की सलाह दी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया, जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मार दिया था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान देवी अंबा जी की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजय मारा नामक एक मारा दी, जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वासन के अंतिम वृक्ष में ब्रह्मनाल के रूप में भेज के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ देवी अंबाजी की पूजा की थी। देवी शक्ति ब्रह्मांड या आदि शक्ति की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है। यह बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती। देवी हर तरह हथियारों के साथ प्रकाश के एक चक्र के रूप में उभरती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। अंबाजी मंदिर में आने वाले भक्त उस दिव्य लौकिक शक्ति की पूजा करते हैं, जो अंबाजी के रूप में अवतरित होते। मंदिर देवी शक्ति के लिए दिल का प्रतीक है और भारत में प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मेला अंबाजी में भाद्रपद के हिंदू महीने में अंबाजी गांव के केंद्र में आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान गांव में सबसे ज्यादा संख्या में लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। दुनिया भर से प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं। केवल हिंदू नहीं, बल्कि कुछ धर्मनिष्ठ जैन पारसी भी इस समारोह में भाग लेते हैं, जबकि कुछ मुस्लिम व्यापार के लिए मेले में जाते हैं। अंबाजी में रहने के दौरान तीर्थयात्री अपना समय प्रार्थना भक्ति में बिताते हैं, आसपास के अन्य मंदिरों में भी जाते हैं। इनमें से कुछ सप्तशक्ति के पाठ में भी शामिल होते हैं। स्थानीय दुकानों के अलावा अस्थायी स्टॉलों में खाने पीने का सामान, खिलौने, चित्र और मूर्तियों को मूर्तियां, ताबीज, बांस के लेख आदि की बिक्री की जाती है। मनोरंजन के लिए मिराको राउंड और फेरारी पहियों की स्थापना और कलाबाज की जाती है। पूर्णिमा के रात के एक पारंपरिक और लोकप्रिय लोक नाटक भूई का प्रदर्शन किया जाता है। चरक चौक में लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें पकवास, भू और जान जैसे सरल संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नवरात्र के समय अंबाजी को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। मंदिर परिसरों में भक्त गुजराती द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्य किए जाते हैं। अंबाजी के मंदिर के करीब 6 मंदिर, वही माता का मंदिर, अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर, गणपति मंदिर, क्रमशः चहर चौक, खुला चौक, दूसरी ओर खुड़िया माता, अजय माता, हनुमान जी का मंदिर गाँव में है।
गब्बर हिल्स, गब्बर हिल्स गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। यदि पौराणिक कथा को माने तो यहाँ वो स्थान है जहाँ मृत देवी सती का हृदय गिरा था, पर जाने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अम्बे का मंदिर जाने सामने इन पहाड़ियों पर एक पवित्र दीपक हमेशा जलता रहता है। माना जाता है कि यह पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन पर श्रद्धालु गब्बर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। कोटेश्वर गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिम में कोटेश्वर का छोटा सा गांव द्वीप है। अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन शिव मंदिर नारायण सरोवर का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित 5 पवित्र जिलों में से एक है। यह क्षेत्र समुद्र के दृश्य के साथ सुरम्य में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। कुंभाराया अंबाजी मंदिर टाउन से 1.5 किलोमीटर दूर है। कुंभाराया बनासकांठा जिले में सांस्कृतिक विरासत के साथ ऐतिहासिक पुरातत्व और धार्मिक महत्व का एक गांव है। यह जैन मंदिर से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थान है। इसमें नेमिनाथ भगवान का ऐतिहासिक जैन मंदिर है, जो 13वीं शताब्दी का है। मानसरोवर मुख्य मंदिर के पीछे ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण अहमदाबाद के अंबाजी के एक नागर भक्त के तपी शंकर ने 1594 तक किया था। इस पवित्र सरोवर के 2 किनारों पर 2 मंदिर है, एक महादेव का और दूसरा अजय देवी का, जिनके बारे में माना जाता है माता अंबाजी की बहन है। पर्यटक और भक्त इस मानस सरोवर की पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। मंगलाय वन कैलाश टेकरी को नामक पहाड़ी पर अंबाजी मंदिर से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर खेत ब्रह्मा राजमार्ग स्थित है। ये वन एक अनोखा बगीचा है जो अपने ज्योतिषीय बगीचे के लिए जाना जाता है, जहाँ पर प्रत्येक राशि के लिए 3 पौधे है। ज्योतिषाचार्य की मान्यता है इन पौधों को मनुष्य के जीवन पर वही प्रभाव पड़ता है जो रत्नों के कारण पड़ता है। अंबाजी मंदिर में ये चीजें मिस न करें। रोपे गब्बर की सवारी, स्वादिष्ट प्रसाद से की मौसम पूरम, देवी अंबाजी का जन्मदिन, सितंबर में भद्रवी पूर्णिमा पर बड़ा धार्मिक मेला, नवरात्र और हवन यज्ञ के सभी 9 दिनों के लिए चार चौक में करवा। अंबाजी का प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन पालमपुर है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही आबू रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अलग अलग राज्यों के कुछ नजदीकी शहरों और अन्य शहरों से ट्रेन पालमपुर से जुड़ी हुई है। आप सड़क मार्ग से अंबाजी मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी मुख्य शहर से GSRTC की बस प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से ये रोज बस सेवा संचालित रहती है, जिसमें गांधीनगर, पालमपुर, वडोदरा, अहमदाबाद मुख्य है। इसके अलावा आपको टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसा है अंबाजी माता का ये अद्भुत स्थान और ये अद्भुत कथा। जय श्री माता सती, जय श्री माता पार्वती माता, जय श्री शिव भोलेनाथ।